नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ये देखिए बॉक्स खोला हुआ है, क्योंकि बॉक्स दोस्तों इसलिए ओपन किया क्योंकि मुझे फ़ोन को चेक करना था, यूज करना था, सेटअप करना था, बट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने फिर से उसको सेम वैसे ही पैक कर दिया है। तो ये देखिए मेरे पास है दोस्तों इसका टाइटेनियम ग्रे कलर 12 GB 256 GB वाला वेरियंट। इसकी MRP की बात की जाए तो ये देखिए इसकी MRP है 1,34,999, बट जी आपको कितने का मिलता है दोस्तों आपको पता है, इसका मैनुफैक्चरिंग डेट है फरवरी 2024 का, क्योंकि ये फरवरी में ही लॉन्च हुआ था। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है मार्केट की तो वो है दोस्तों 1,29,000 रुपये, 1,30,000। बट अगर इसे आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हो अपने सैमसंग स्टोर से तो जी आपको 1,15,000 1,16,000 तक समथिंग का आराम से मिल जाता है 12/256 वाला वेरियंट, कोई सा भी कलर ले लो आप। तो दोस्तों जी मैंने कितने का लिया है आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। और चलिए बॉक्स को ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन की कुछ बारे में कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस में किस जगह मिलेगा JB में, दोस्तों आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देखें तो फिर बताओ बॉक्स करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद उस तरह का बॉक्स मिलता है जी इसके अंदर निकलता है। चलिए इसको रखता हूँ मैं अभी। इसके अंदर दोस्तों ये डाटा केबल है जो मैंने रख दी है इसमें घड़ी करके टाइप सी वाली, और ये कुछ किताबें हैं, और ये है दोस्तों देख सकते हो आप इसके अंदर ये सिम इजेक्टर पिन, ये देखिए। चलिए इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं क्योंकि इसकी सबको पता है इसमें क्या मिलता है। और दोस्तों ये है मेन फ़ोन, क्योंकि हमें चार्जर तो इसके अंदर देखने को मिलता नहीं है तो चार्जर की बात करनी बेकार है। ये फ़ोन है, इसके ऊपर एक रेबर लगा था जो मैंने फिर से लगा दिया था, तो इसको भी हटाता हूँ मैं। इसको मैं फिर से दोस्तों इस फ़ोन पे अंदर रख दूँ फिर आपको फ़ोन के बारे में बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन के साथ जो भी सामान आता है सबको रखना सही रहता है, क्योंकि फ्यूचर में कहीं फ़ोन सेल करना पड़े तो सारा सामान तो भी हम दे सकते हैं सामने वाले बंदे को। तो कुछ इस तरह का फ़ोन आता है, ये देखिए जैसे कि S23 Ultra था उससे ही मैच करता हुआ डिजाइन है, बट कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप कैमरे की रिंग देख सकते हो, S23 Ultra में जो रिंग थी वो हमें अलग से लगवानी पड़ती थी तब इस तरह का लुक आता था, बट इसमें ऑलरेडी रिंग लगाई गई है कैमरे के चारों तरफ जिससे एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम फीलिंग देता है। इसका जो डिस्प्ले दोस्तों फ्लैट डिस्प्ले है, कर्व नहीं है इतना जैसे S23 Ultra था, तो काफ़ी लोगों को दोस्तों वो डिजाइन ज़्यादा पसंद आएगा और काफ़ी लोगों को ये वाला, बट मुझे ये डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कर्व डिस्प्ले जो होती है वो दोस्तों एक्सीडेंटल टच स्क्रीन भी होती है उसमें, और उस पर हम टेम्पर ग्लास भी नहीं लगवा सकते, सिर्फ डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए मेमोरी लगवा सकते हैं, स्क्रीन गार्ड लगवा सकते हैं, बट टेम्पर नहीं लगवा सकते, इसमें आप टेम्पर भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको दी गई है 6.82 इंच की एक सुपर एमोलेड डायनामिक 2x वाली डिस्प्ले, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होती है सैमसंग की तरफ से दे रही है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है इसकी। अब बेजल्स दोस्तों ना के बराबर होते हैं, ये देखिए बेजल दोस्तों इसमें ना के बराबर हैं, और जी हल्के हल्के बेजल दिए गए हैं वाइट ब्लैक ब्लैक टाइप से जिसमें बेजल हैं दोस्तों, कोई भी इसका टेम्पर ग्लास नहीं है, तो ना के बराबर बेजल है। S23 Ultra में दोस्तों बेजल नहीं थे क्योंकि वो कर्व डिस्प्ले थी, बट मुझे जो ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी चॉइस हो सकती है, आपको ज़्यादा पसंद आने आई होगी शायद आपको दोस्तों। 6.8 इंच की सुपर एमोलेड डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दी गई है, और प्रोटेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको बैक के अंदर विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, और फ्रंट के अंदर दोस्तों कोई अलग प्रोटेक्शन दी गई है जो विक्टस 2 से भी ज़्यादा तगड़ी प्रोटेक्शन होती है। और दोस्तों इतना नॉलेज नहीं होता कि कौन सी क्या प्रोटेक्शन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आपको भी नहीं पता होता कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है, तो दोस्तों प्रोटेक्शन चाहे कोई सी भी हो बट आपको अपने फ़ोन को सेव करके ही यूज करना है, क्योंकि जब फ़ोन हाथ से छूट के नीचे गिरता है तो कोई भी प्रोटेक्शन हो
वो काम नहीं करती। दोस्तों बैग में भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रंट भी मिलती है, और मैंने दोनों तरफ इस पर दोस्तों पीछे मेम्ब्रेन, ये देखिए मेम्ब्रेन लगवा रखी है, और फ्रंट में दोस्तों स्क्रीन गार्ड लगवा रखा है। ग्लास नहीं लगवाया अभी, बट मेम्ब्रेन ये स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाया है। इस साइड में दोस्तों आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन दिए गए हैं। इस साइड में कुछ नहीं है। ऊपर दोस्तों आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है, और नीचे आपको यहाँ पर एस पेन का ये पेन दिया गया है, एस पेन। यहाँ पर दोस्तों आपका ये माइक है, सॉरी दोस्तों स्पीकर है, इस जगह ये माइक है बोलने के लिए। यहाँ सिम ट्रे है, और ये टाइप सी पोर्ट जिसमें आपको 3.2 का दोस्तों ये मिलता है चार्ज करने वाला सपोर्ट। अब दोस्तों इसकी बात करता हूँ, देखिए कैमरे की, तो इसमें आपको पीछे दोस्तों चार कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट आपको यहाँ पांच दिख रहे होंगे, बट दोस्तों एक सेंसर होता है, चार कैमरा है दोस्तों। इसमें जो सबसे बढ़िया कैमरा है वो दोस्तों 200 मेगापिक्सल का, दूसरा है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, तीसरा 12 का, और चौथा दोस्तों 10 मेगापिक्सल का। ऐसे ही दोस्तों आपको फ्रंट में कैमरा दिया गया है, सेल्फी वो है 12 मेगापिक्सल का। तो कैमरे की दोस्तों क्वालिटी की बात की जाए तो कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। आपको पता ही है कि अल्ट्रा जो फ़ोन होते हैं वो कैमरे क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। आप इसमें 100 मेगापिक्सल की जूम कर सकते हो, 100x तक भी, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। बट मैंने कोई सैंपल वगैरह लिया नहीं है तो वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, बट आपको पता ही है कि इसमें कैमरा क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त दी गई है। स्पीकर दोस्तों इसमें दो दिए गए हैं, ऊपर और नीचे डुअल स्पीकर हैं। तो दोस्तों जो छोटी मोटी चीज़ हैं जो तो आपको मिलने वाली ही हैं, क्योंकि ये फ़ोन ही दोस्तों इतना महंगा है तो ये सब तो आपको मिलना ही है। बैटरी दी गई है 5000 mAh की दोस्तों इसके अंदर, जिसके साथ आपको 45W का सपोर्ट मिलता है, चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और बैटरी की दोस्तों बात की जाए कि कितना टाइम चलती है, तो दोस्तों जो अगर आप हैवी यूज करते हो तो 6 से 7 घंटे का बैकअप आराम से मिल जाएगा, और आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको कम से कम 2 दिन का बैकअप जो आराम से दे देगी। तो बैटरी के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट दिक्कत एक ही है कि 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इससे ऊपर नहीं करता, और वो चार्जर भी दोस्तों आपको मार्केट से अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस की बात की जाए तो समथिंग 3000 रुपये का आता है। तो बैटरी चलती अच्छी है, बट चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेती है, बट काफ़ी जो यूजर होते हैं सैमसंग यूजर, उनको एक चीज़ की याद होती है तो उनको दिक्कत नहीं लगती। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, देखिए इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट का जगह दी गई है वो काफ़ी अच्छी जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको अंगूठा नीचा करना पड़े, यहाँ आप आराम से इसको अनलॉक कर सकते हो, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, इसमें फिंगरप्रिंट का साइज जगह दिया गया है, और इसमें दोस्तों AI के फीचर दिए गए हैं काफ़ी भर के, क्योंकि AI के चक्कर में ही दोस्तों सैमसंग ने ये फ़ोन लॉन्च किया था। AI जो हमें S23 अल्ट्रा से अलग देखने में मिलती है, बट वो अपडेट उसमें भी आ चुका है, तो वो अब उसमें भी मिल रही है, बट इसके अंदर पहले आई थी, तो दोस्तों ये फीचर इसमें इनबिल्ट आया था। अब आगे चल के सैमसंग इस फीचर को पेड कर दे या फिर हटा दे, ये सैमसंग के ऊपर है। अब दोस्तों कैमरे की बात हो गई, डिस्प्ले की बात हो गई, और प्रोटेक्शन की बात हो गई। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इस फ़ोन की प्राइस वगैरह की। तो ये जो फ़ोन दोस्तों मैंने 10 से 15 दिन यूज़ किया हुआ, अपने एक फ्रेंड से लिया है, क्योंकि उसने न्यू खरीदा था, बट उसको आईफोन लेना था, तो उसने मुझे ये फ़ोन दे दिया, उससे मैंने खरीद लिया। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 15 से 16 दिन पुराना फ़ोन है, सिर्फ मेरे साथ में बंदा वो लेके आया था। तो ये जो फ़ोन मैंने उससे ख़रीदा है, जो लिया है दोस्तों मैंने, सिर्फ 90,000 का, 90,000 रुपये का। तो इस तरीके से दोस्तों ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया, क्योंकि फ़ोन नहीं हुआ है, और बंदा भी दोस्तों जेन्युइन है, जिससे मैंने लिया है, मेरा फ्रेंड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 90,000 रुपये दोस्तों मुझे जो S24 Ultra मिल गया, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील लगती है मुझे। कलर भी दोस्तों सर टाइटेनियम ग्रे है, जो iPhone 15 Pro में आता है, सेम वही कलर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और आपका इस फ़ोन को लेकर कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो राय को उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।